वेदी का व्लॉग। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो आज है फ्राइडे, शुक्रवार का दिन है और आज तारीख है 15 मार्च 2024। सुबह के बज रहे हैं 10:15। मैं पहुंच गई हूँ चंडिका माता मंदिर। तो फ्रेंड्स, ये है चंडिका माता मंदिर, जो मूल रूप में चंडिका माता मंदिर जो देवी का मंदिर है, ये नायगांव में है, नायगांव ईस्ट में है। और ये जो आप देख रहे हो इतनी सारी सीढ़ियाँ, ये 200 के करीब सीढ़ी है। और ये मंदिर बनी है पांडवास के टाइम की, ये मंदिर है, उन्होंने बिल्ड किया था, पहाड़ के अंदर है, गुफा जैसा था, लेकिन ये बाद में डेवलप किया गया है। पहले तो इधर ऊपर चढ़ने वढ़ने के लिए कोई जगह ही नहीं, रास्ते ही नहीं थे, फिर बनाया है। तो मूल रूप में चंडिका देवी का मंदिर है, लेकिन साथ ही साथ में इसमें काली और महिषासुर मर्दिनी देवी का भी मंदिर है, मतलब दो तीनों साथ में ही है। मूर्ति ऐसे पत्थर की ही है और गणपति बप्पा तो हर जगह रहते हैं, तो गणपति बप्पा की भी है। तो यहाँ से ना बैक साइड से भी एक स्टेयरकेस है, ये आप बोल सकते हो कि बैक साइड से ना इसके उस तरफ से मेरे लास्ट व्लॉग में, जो मेरा फर्स्ट व्लॉग मैंने शूट किया था, वो इसी मंदिर में आके शूट किया था, तो उसमें आपको दिख जाएगा। वहाँ से लिफ्ट है बनाया हुआ, ताकि जो वृद्ध लोग हैं जिनके पैर में प्रॉब्लम है, वो लोग वो लिफ्ट से आ जा सकते हैं। अभी मैं तो इस तरफ से जा रही हूँ कि यहाँ से मैं कभी गई नहीं थी। ये रहा पहाड़ के ऊपर है वो मंदिर, ये गांव वाले लोग ने बनाया है, पूरा सीढ़ियों का पूरा, मतलब जो भी रास्ते बने हैं इन गांव वाले लोग ने बनाया है। और ये जूचंद्र गांव में पड़ता है, नायगांव में। और जूचंद्र गांव का जो कुल देवी है वो चंडिका माता ही है। नायगांव से आप आ सकते हो, यहाँ पे रिक्शा मिल जाएगा, नायगांव रेलवे स्टेशन जो कि वेस्टर्न रूट पे पड़ता है, वहाँ से आपको लगभग 20 रुपया लगेगा और आपको शेयरिंग में 20 रुपये में यहाँ छोड़ दिया जाता है। यहाँ से आप ऊपर आ सकते हो चढ़कर, या फिर बैक साइड से भी सीढ़ी है, कार पार्किंग भी है, तो वहाँ से अगर आप जाओगे तो आपको इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फ़िलहाल यहाँ से भी जाना ज़रूरी था एक बार मेरे को, क्योंकि मैंने व्लॉग ही बनाना था चंडिका माता मंदिर के ऊपर। ये देखो अभी इतना ही सीढ़ी चढ़ी हूँ, ये बंदर इधर। कुत्ते बहुत खतरनाक है, देखो करीब करीब मैं सीढ़ी कितनी चढ़ गई होंगी, 50 जा रहा बाबा, 10 का तो रहेगा ये, नहीं दस का नहीं है। ओ, और ये इतना बाकी है, लेकिन 200 सीढ़ियां हैं। और ये इस तरीके से पहाड़ के ऊपर है, पहाड़ को काट के पांडवास ने बनाया था ये मंदिर को। और ये सारे कुत्ते पीछे पड़े हैं बंदर को खाने के लिए, बताओ क्या ही बोलेंगे। ये देखो ये सीढ़ियां बनी है यहाँ पे 1992 को। यहाँ से हमारा पूरा नायगांव दिखाई देता है, अभी मंदिर में पहुँचे नहीं है हम लोग। ये मंदिर बस अभी और करीब करीब कितना सीढ़ी होगा, हाँ 15-20-25 सीढ़ समझ लो, 25 के करीब हमारा बाकी है, इतना तो चढ़ गए हैं। हाँ मैं 200 सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुँच गई हूँ, ये देखो ये काले थे। हाँ
लिफ्ट है यहाँ पे आने के लिए, और ये जो बैक साइड है मंदिर का, अभी ये शायद जाली लगाए तो दिखेगा नहीं। ये है पहाड़ पूरा ऊपर का, तो ये दर्शन के बाद बाहर कुछ ऐसा वहाँ पे खड़े रहने के लिए, और या फिर आप मतलब चिल करो, सब आते हैं एक साथ तो ऊपर खड़े रहते हैं, कई लोग फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं। तो ये देखो कितना अच्छा दृश्य है ना, एकदम मतलब इट्स सो नेचुरल, मतलब एकदम पहाड़ है, ऊपर धुंध छाया हुआ है और शहर जैसे बसा हुआ है बीच में, कितना सुहाना एकदम मौसम, एकदम तरोताज़ा वाला मॉर्निंग का टाइम है। इट्स सो रिफ्रेशिंग ओवर योर लाइक आई कांट एक्सप्रेस द फीलिंग व्हाट आई वाज फीलिंग देयर। इतना मस्त ना, इतना कामिंग वाला था पूरा टाइम वहाँ पे। मतलब ऐसे तो मैं हमेशा जाती हूँ तो ऐसा ही रहता है, मैं मॉर्निंग में भी कई बार गई हूँ, लेकिन इट इज़ सो ब्यूटीफुल यार। मैं ऐसे कैमरे में कभी कैद करके नहीं लाई नज़ारे को, लेकिन इस समय मैंने नज़ारे को पूरा कैमरे में कैद किया है। इट इज़ रियली वेरी रिफ्रेशिंग एंड वेरी कामिंग, पीसफुल। किसी को भी अगर आना हो तो आप आ सकते हो, अगर कोई जानकारी भी चाहिए हो कि कैसे जाते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में, और हमें बताइएगा कि कैसा आपको वीडियो लगा है। साथ ही साथ में आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप उसके लिए ज़रूर पूछ सकते हैं इस वीडियो में। ओके, सामने आपको हाईवे नज़र आ रहा होगा, तो वो हाईवे की तरफ से भी मंदिर को आ सकते हैं आप। तो अगर हाँ, वो गाड़ी सामने जा रही हो तो दिखेगा नहीं कैमरे में, क्योंकि अपना तो मोबाइल का कैमरा है तो वो कैमरे में नज़र नहीं आएगा, बट सामने ही हाईवे साढ़े तीन तीन से तीन से साढ़े तीन किलोमीटर का रास्ता है। यहाँ से हाईवे पहुँच जाते हो आप, तो आप कहीं से भी, अगर रोडवे से आप आ रहे हो कहीं से भी, तो वहाँ से आपको टर्न लेना है। अगर आप विरार साइड से आ रहे हो या गुजरात साइड से आ रहे हो, तो आपको पहला ही राइट लेना होगा नायगांव के लिए, पुलिस चौकी है वहाँ पर। वहाँ से अंदर आ जाओगे तो आपको तीन साढ़े तीन मैक्स टू मैक्स उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा, इतने किलोमीटर पर ये मंदिर आ जाएगा।
और अगर आप बोरीवली साइड से आते हो तब भी आपको लेफ़्ट साइड लेना है, वही पुलिस चौकी आ जाएगा और आपको अंदर मुड़ जाना है, लेफ़्ट लेके आपको चंडिका माता मंदिर आ जाएगा। ये एक वे है रोड वे से आने के लिए, और दूसरा एक और रास्ता है मैं बताती हूँ आपको। यहाँ पे जू चंद्र रेलवे स्टेशन भी है जो मेरे आपको व्लॉग्स में पहले भी नज़र आया होगा, मैं गई हूँ वो रेलवे स्टेशन पे। वो देखो सामने दिख रहा है, वो ये तो दिखाई देगा कैमरे में क्योंकि बाकी पूरा मैदान ही है वहाँ पे, तो ब्रिज बना हुआ है वही रेलवे स्टेशन है जू चंद्र का। तो वहाँ से भी आपको आप चल के आ सकते हो, जू चंद्र स्टेशन से तो आपको फिर ऑटो करने की ज़रूरत नहीं, इतना ही है रास्ता चलने के लिए, क्योंकि ऑटो वहाँ से मिलेगी भी नहीं, वहाँ पे ऑटो रहती नहीं है। अगर मिलेगी भी तो आपको बाहर उतना चल के आना होगा, ये जो ब्रिज बन रही है उसके नीचे तक के आपको चल के आना पड़ेगा, वहाँ से ऑटो पाठक से ऑटो मिल जाएगी आपको आने के लिए। फिर वही है कि आपको वहाँ पे शेयरिंग नहीं मिलेगा, आपको प्राइवेट ही लेके यहाँ पे आना पड़ेगा। प्राइवेट का पता नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि कितना प्राइवेट ऑटो का चार्ज करते हैं, यहाँ मोस्टली सब शेयरिंग पे ही आते हैं। और जू चंद्र रेलवे स्टेशन से ज़्यादातर कोई आता नहीं होगा, बट कोई आ गया हार्बर लाइन से कोई आ रहा है तो वो उतर के बाकायदा चल के आए तो ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग आपको 15 मिनट लग जाएगा। हाँ, आप ये 200 सीढ़ी ना लेते हुए आप बैक साइड से आ सकते हो, सीढ़ियाँ कम है वहाँ पे। आप थर्ड तीन फ्लोर तक तो चढ़ना है, चौथे माले पे आपको मंदिर मिल जाएगा, तो आप वो बैक साइड के रोड से भी आ सकते हो और फ्रंट साइड से भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। नायगांव का तो मैंने आपको अपडेट दे दिया कि नायगांव रेलवे स्टेशन से आप आ सकते हो। आप अगर कई मतलब उस तरफ से आते हो, पालघर वगैरह से आ रहे हो, तो आप वसई मतलब वसई होते हुए आप आ जाओगे, नायगांव आ जाएगा और नायगांव से फिर आपको शेयरिंग ऑटो तो आराम से मिल जाएगी। तो ये रहा हमारा, उधर सामने समंदर है पूरा, वो ब्रिज दिख रहा है आपको, समंदर के ऊपर ब्रिज है। आज का मेरा व्लॉग, आज और कुछ नहीं, चंडिका माता मंदिर का ही व्लॉग बनाना था मुझे स्पेशली इसके लिए। ऐसे तो मैं यहाँ आती थी लेकिन अभी ज़्यादा आना होता भी नहीं है, मैं फ़िलहाल शायद से 6 महीने हो गए मेरे को आके यहाँ पे, नहीं 6 महीने नहीं, उसके बाद नवरात्रि में मैं आई थी। नवरात्रि में एक्चुअली कैसा है ना, यहाँ पे जो नवरात्रि होता है, यहाँ का जो ट्रस्ट है वो बहुत कुछ करता भी है। नवरात्रि में यहाँ पे ना भोजन होता है, हर किसी के लिए होता है खाना शाम में, तो 20 रुपीज़ लेते हैं वो लोग और आपको जितना चाहिए उतना आप खाना खा सकते हो, ऐसा ट्रस्ट होता है। साथ ही साथ में यहाँ पे एक और ट्रस्ट, मतलब इनका जो ट्रस्ट है वो सामूहिक विवाह भी करवाते हैं, तो ज़्यादा रुपए लेते नहीं है और वो पैसा भरा कि आपका विवाह हो जाएगा, सारी तैयारी वही लोग कर लेते हैं। प्लस नवरात्रि में जत्रा निकलता है, बहुत बड़ा जत्रा निकलता है इनका, पूरी रोड पे भीड़ होती है, मैंने देखा है वो एक बार, या तो एकदम जत्रा जत्रा बोल सकते हो, या फिर वो रैली निकलती है इनकी, माता की पूरा वो निकालते हैं, रथ निकालते हैं, क्या बोलते हैं उसको, झांकी 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 निकलती है, तो पूरा रोड फुल होता है। हाँ
हाँ पूरा गर्दी हो जाता है, साथ ही साथ में उनका कुछ ड्रामा वगैरह भी एक्ट वैक्ट भी करते हैं वो लोग, और पूरा ऐसे बनता है। तो सोचो जो हमारे पांडवास थे वो जहाँ जहाँ गए उनके वनवास के टाइम पे, वहाँ पे उन लोगों ने मंदिरें बनाई हैं। ऐसे कितनी सारी मंदिरें हैं जो उन्होंने बनाई हैं। मुझे एलिफेंटा केव्स भी, एलिफेंटा केव्स भी मैं आप लोगों को ले जाऊंगी कभी समय मिला तो, क्योंकि एलिफेंटा केव्स तो मैं खुद भी बहुत, मतलब मैं भी गई हूँ 3-4 दफ़े तो मैं भी गई हूँ, लेकिन अभी काफ़ी समय से मैं गई नहीं। जब से रिटेल इंडस्ट्री में जॉब पे लग गई थी आई वॉज एकदम सुपर डुपर बिजी, तो अब थोड़ा टाइम है तो वहाँ भी चलेंगे, काफ़ी जगहों पे जाएंगे हम लोग। तो ये हो गया मेरा दर्शन पूरा। जय माता रानी, सभी का ख्याल रखें, सभी को अच्छी सेहत दे माता रानी, और सभी सभी के दुखों को हर ले, सभी को सुखी करें, यही प्रार्थना करूँगी। मेरे अपनों को, परायों को, मतलब जिनको भी मैं जानती हूँ जिनको मैं नहीं जानती, सभी को माता रानी खुश रखे सुखी रखे, यही दुआ के साथ मैं आज का व्लॉग एंड करती हूँ और आपसे विदा लेती हूँ। हम फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, बाय बाय। और हाँ, जाते जाते वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टेक केयर।